ओंकारेश्वर लघु पंचकोशी यात्रा का पहला पड़ाव सनावत आज लाखों की हजारों की संख्या में पंचकोशी यात्री सनावत पहुँचे हैं। सवेरे नर्मदा जी के स्नान करके और भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन करने के बाद सवेरे तड़के से सनावत की तरफ निकले। 50 किलोमीटर की ये पंचकोशी यात्रा जिसे पांच कोस की कहा जाता है धार्मिक महत्व रखती है। 48 साल पहले इसकी शुरुआत की गई थी जो जिसमें लोग धीरे धीरे जुड़ते हुए आज हजारों लोग इस यात्रा में शामिल होने लग गए। इस धार्मिक यात्रा में जैसा कि आप देख सकते हैं कि पूजन अर्चन और कीर्तन के साथ साथ धार्मिक प्रवृत्ति के सभी वो लोग शामिल है जो दूर दूर से यहाँ आए हुए। इसमें निमाड़ मालवा के साथ साथ प्रदेश भर के लोग इस यात्रा में शामिल होते हैं जो पहले पड़ाव सनावत में आज पहुँचे हैं और कल सुबह से ये दूसरे पड़ाव के लिए निकल जाएंगे जहाँ मोटक टोकसर से नर्मदा नदी पार करेंगे। उसके बाद ये बड़वा पहुँचेंगे और बड़वा के बाद वन में से होते हुए सिद्धवरकूट होते हुए ओंकारेश्वर पहुँचेंगे। 4 दिन की ये 50 किलोमीटर की यात्रा यात्री अपने सभी परिजनों के साथ मित्रों के साथ और दूर दूर से आए हुए लोग ये यात्रा को धार्मिक महत्व के साथ हमारे साथ में कुछ महिलाएं दीदी आए हुए हैं। कहाँ से दीदी? बेटमा। क्या अनुभव रहा है यात्रा का? कितने वर्षों से आप यात्रा कर रहे हैं? हमारे हुई क्या कितना साल हो गया? हमारे 25 हो गए। 25 8 हो गए 8-9 साल। आपके 8 साल दीदी के 25 साल हो गए। 25 साल और 8 साल में आपने इस यात्रा में क्या आप अनुभूत करा है, कुछ महसूस करा है? यहाँ शक्ति शक्ति है बरोबर, माँ की शक्ति क्यों नहीं है? शक्ति से चली रहनी तो हमने एक पग नहीं चल सकता है। अच्छी है, हाँ बहुत शक्ति है माता जी में। आप यात्रा में अपने परिवार के साथ आए, अकेले आए, बच्चे आए, कौन आपके साथ में? हमारे पति भी जाते हैं, पति भी आए हैं, परिवार आपके साथ जी? जी हम काका काकी और परिवार। जैसा कि आप देख रहे हैं कि महिलाएं तमाम तरह की महिलाएं बच्चे बुजुर्ग और तमाम परिजनों के साथ इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं और इस यात्रा को धार्मिक महत्व के साथ साथ एक सामाजिक आपसी परस्पर सहयोग के रूप में भी देखा जा सकता है। सनावत नगर के तमाम लोग इस बात के लिए बहुत साधुवाद के पात्र हैं कि तमाम यात्रियों का वो इस्तकबाल कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं और उनकी तमाम तरह की सहूलियतों का ख्याल रखते हुए प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी माकूल है, पानी की, लाइट की। भक्ति में बड़ी शक्ति है। आज लघु पंचकोशी यात्रा सनावत आई है, पहले पड़ाव पे हमारे साथ कुछ यात्री है जो इस यात्रा से जुड़े रहे हैं, वर्षों से आ रहा है, इस यात्रा में आई है। उनकी क्या क्या यात्रा को लेके अनुभूतियां है उनसे जानते हैं। जी जी, क्या शुभ नाम है आपका? महेंद्रवती श्रीवास्तव। क्या नाम? महेंद्रवती श्रीवास्तव। हमारे साथ महेंद्रवती श्रीवास्तव जी, कहाँ से आए आप? मैना। कौन सा जिला? सीहोर जिला। सीहोर जिलों से आए हुए श्रीमती श्रीवास्तव जी है। कितने वर्षों से आप इस यात्रा में? मैं 6-7 साल से आ रही हूँ। क्या अनुभव रहा इस यात्रा का आपका? बहुत अच्छा रहा, सब कामना पूरी हुई मेरी और बहुत बढ़िया है। माता श्री का, भोले बाबा का आशीर्वाद है और यात्रा भी अच्छी। आप इस यात्रा में कितने वर्षों से आ रहे हैं? मैं 7 साल से आ रही हूँ। 7 सालों से आ रहा। आपने कुछ यहाँ अनुभूति पाई है माँ नर्मदा जी के किनारे? हाँ पाई है। क्या क्या? भोले बाबा की अनुमति, बहुत अच्छे सब आशीर्वाद दे रहे हो। अभी आप देखा पूजन अर्चन कर रहे थे, किस बात का पूजन था? नर्मदा मैया की आरती कर रहे थे। तो आप जब यात्रा करते हैं तो रोज प्रतिदिन यात्रा में आरती करते? दोनों टाइम करते हैं। दोनों टाइम। ये दीदी बता रहे थे कि प्रतिदिन यात्रा के दौरान भी नर्मदा यात्रा नर्मदा माता की पूजा करते हैं। हमारे साथ में कुछ भैया लोग हैं। भैया कहाँ से आप? इंदौर से। इंदौर से? कितने वर्षों से यात्रा कर रहा है? 5 साल। 5 सालों से। कैसा रहा आपको यहाँ, व्यवस्था कैसी मिलती है आपको रास्ते पर? अच्छी व्यवस्था मिलती। अच्छी व्यवस्था मिलती। भैया इस बार कितने वर्षों से आ रहा आप यात्रा? मेरे को 7-8 साल हो गए। कैसा अनुभव रहता है, यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी रहती है सनावत और आसपास के क्षेत्रों में जहाँ भी आपका रुकने रहता है? यहाँ की व्यवस्था ऐसी रहती है, किसी भगत को पानी की जरूरत नहीं, खाने की जरूरत नहीं, चाय नाश्ता फुल व्यवस्था, पूरी व्यवस्था यहाँ सनावत के क्षेत्रों में की जाती है। फुल व्यवस्था माँ नर्मदा की कृपा से सब भगत लोग फुल व्यवस्था। कितने लोगों की आप कितने लोगों की संख्या आपको लगती है इस बार? इस बार कम से कम 6 लाख से ऊपर की पब्लिक है। मेरा 8 साल का अनुभव है, 8 लाख के करीबन 30 साल है पब्लिक। कल 12 बजे से चल रही है, रात को 9 बजे तक यह पब्लिक नहीं खत्म हुई। ओंकारेश्वर से। कहाँ से आप? मैं महेश्वर तहसील
ग्राम बंडेरा का रहने वाला हूँ, पर्वत सिंह चौहान। पर्वत सिंह जी, भैया आप कहाँ से आए दादा? बड़ा बोरमा से पंदाना तहसील, और मैं 2 साल से आ रहा हूँ। और मेरे जो मकान को बैंक वालों ने ताला लगाया था, मान नर्मदे का मेरे पास रिवाज है जो कि मेरा ताला खुल गया। ये थे हमारे साथ वो यात्री जो अपना अनुभव बता रहे थे। दादा की आंखें भर आई है माँ नर्मदा की यात्रा करने के बाद, उनको कुछ ना कुछ फलीभूत हुआ है। तमाम खबरों के लिए तेज न्यूज के साथ जुड़े रहिए।